तो अगर आप लोग इस वीडियो के अंदर आ ही गए हो तो इसका यही मतलब हो सकता है कि आप लोग भी एक नई गाड़ी रिसर्च कर रहे हो जहां पे वो गाड़ी हाइब्रिड के साथ हो। तो यही वीडियो बिल्कुल सही वीडियो के अंदर आप लोग आए हो। मैं आप लोगों को जो है ना कुछ ऐसी गाड़ियों के बारे में बताने वाला हूं जो अपकमिंग में है और वो हाइब्रिड के साथ लॉन्च होने वाली है, तो काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार होने वाला है। और आप लोग भी जो है ना रिसर्च कर रहे हो या फिर आप लोग प्लान बना रहे हैं कोई ऐसी गाड़ी लेने का जो कि नई भी होगी और साथ में वो हाइब्रिड के साथ भी होगी, तो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग ये वीडियो आज की रहने वाली है। तो बिल्कुल लास्ट तक देखना इस वीडियो को, अगर पसंद आए तो अभी से ही जो है ना पहले ही लाइक कर दो, बाकी बाद में क्या पता आप लोग जो है ना भूल भी जाते हो फिर। तो चलिए बिना देरी हम लोग शुरुआत करते हैं। यहाँ पर जो सबसे पहले जो गाड़ी आने वाली है वो मारुति सुजुकी की तरफ से रहने वाली है स्विफ्ट। ये हाइब्रिड के साथ इस गाड़ी को लॉन्च किया जाने वाला है। और पहले ही एक चीज़ आप लोगों को मैं क्लियर कर दूं, जो स्विफ्ट है उसका नया जनरेशन भी जो है ना भाई बहुत जल्दी आने वाला है मार्केट के अंदर, उससे पहले इस गाड़ी को हाइब्रिड के साथ लॉन्च किया जाएगा। तो क्या क्या चीज़ें इसमें रहने वाली है उसके बारे में बताते हैं। सबसे पहले देखिए प्राइसिंग इस गाड़ी की जो रखी जाएगी ना वो 8 से लेकर 12 लाख रुपये की हो सकती है, क्योंकि पहले ही स्विफ्ट जो है ना काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन माइलेज देती है। अब हाइब्रिड के साथ आएगी तो सोचिए क्या क्या कारनामे यहाँ पर कर सकती है। बस मारुति थोड़ा सा अपनी बिल्ड क्वालिटी पे काम करे तो मतलब सोने पे सुहागा हो जाएगा इस गाड़ी के लिए। तो देखिए लुक्स वाइज देखते हो तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती है गाड़ी वैसे भी, ठीक है। और यहाँ पे आप लोग को जो इंजन ऑप्शन दिया जाएगा इसमें वो 1.2 लीटर का नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन होगा, और एक जो दूसरा होगा वो 1.2 लीटर का हाइब्रिड पेट्रोल इंजन रहने वाला है, तो काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार रहेगा, जो कि 98 BHP की पावर जनरेट करेगा। यहाँ पे ट्रांसमिशन आप लोगों को मैनुअल और ऑटोमेटिक गियरबॉक्स मिल जाएगा। यहाँ पे पैडल शिफ्टर्स भी आप लोगों को इसके अंदर दिए जाएंगे जो कि नया है। इंटीरियर आप लोगों को बिल्कुल सेम मिलने वाला है, बट इसके अंदर आप लोगों को हो सकता है कि इंफोटेनमेंट सिस्टम जो होगा इसका वो नया दिया जाए। बाकी ऐसे गाड़ी बिल्कुल काफ़ी ज़्यादा स्पोर्टी लगती है देखने में भी। बाकी क्या क्या चीज़ें रहती है वो हम लोग आने वाले टाइम में बात करेंगे। बाकी क्या सोचते हो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता देना इस गाड़ी के बारे में। लॉन्च डेट के बारे में बताता हूँ मैं आप लोगों को, तो ये आप लोगों को जो है ना अप्रैल या फिर मई के महीने में आप लोग कोई एक्सपेक्टेड है यहाँ तक आ सकती है ये। चलिए नेक्स्ट गाड़ी के बारे में अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं तो देखिए महिंद्रा की तरफ से आ रही है XUV500। अब ये 500 आप लोग कन्फ्यूज़ हो जाएंगे यार, इससे अच्छा पहले ही बता देता हूँ मैं। देखिए जो 500 है वो एक्चुअल नेम नहीं है इसका, ये 500 का एक नया जनरेशन रहने वाला है जिसका नाम अभी तक डिसाइड नहीं है, बट ये गाड़ी आने वाली है। थोड़े बहुत जो है ना इसके की स्पेसिफिकेशंस अपने पास आए हैं जो कि आप लोगों को मैं बता देता हूँ। यहाँ पे ये गाड़ी होगी बिल्कुल नए डिज़ाइन के साथ नए प्लेटफॉर्म में, जो कि XUV700 की प्लेटफॉर्म में बेस्ड रहेगी, ठीक है। तो गाड़ी कहीं ना कहीं आप लोग को जो है ना XUV700 से ही इंस्पायर्ड होगी। यहाँ पे इंटीरियर भी चेंज होने वाला है इस गाड़ी का। एक्सटीरियर तो आप लोग को मैंने बता ही दिया कि पूरी तरीके से चेंज है, बहुत ज़्यादा मेजर अपडेट्स इस गाड़ी को किया जाने वाला है। और 500 नो डाउट काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन गाड़ी थी अपने सेगमेंट में और अपने टाइम के अंदर। यहाँ पे जो आप लोग को इंजन दिया जाएगा वो 1.5 लीटर का हाइब्रिड पेट्रोल इंजन दिया जाएगा, जो कि 130 BHP की पावर जनरेट करेगा। यहाँ पे फीचर वाइज भी आप लोग को बहुत तगड़े लेवल के फीचर दिए जाएंगे, एडवांस लेवल के, जो कि देखते ही आप लोग को मज़ा आने वाला है इसमें। यहाँ पे साथ में वायरलेस चार्जर होगा, वेंटिलेटेड सीट्स भी होगा, पैनोरामिक सनरूफ वगैरह आप लोगों को दिया जाएगा। और गाड़ी में सच में बता रहा हूँ अगर XUV700 से इंस्पायर्ड है तो मतलब बहुत ज़्यादा तगड़ी रहने वाली है। डायमेंशंस भी हो सकते हैं थोड़ी बहुत ऊपर नीचे किए जाए इसके अंदर, क्योंकि ऑलरेडी आप लोग को XUV700 सेवन सीटर के साथ मिलती है, तो इसको जो है ना एक कॉम्पैक्ट साइज में हो सकता है कन्वर्ट किया जाए, तो कॉम्पैक्ट सेगमेंट में हो सकता है इसको लॉन्च किया जाएगा। बाकी दे चलिए इस बात करते हैं आगे लॉन्च डेट की, तो यहाँ पे इसकी जो लॉन्च डेट रहेगी वो आप लोग को हो सकता है ये थोड़ा सा लेट भी आए, यहाँ पे फेस्टिव सीजन से पहले पहले इस गाड़ी को आ जाना चाहिए जहाँ तक आइडिया है। अगर प्राइसिंग के बारे में बताता हूँ तो देखिए प्राइसिंग इस गाड़ी की भी जो है ना आप लोग को 10 से लेकर कहीं ना कहीं 15-16 लाख रुपये तक इस गाड़ी को उतार देना चाहिए, तभी जो है ना मज़ा आने वाला है कॉम्पैक्ट साइज़ में, ठीक है। तो नेक्स्ट गाड़ी के बारे में अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो देखिए ग्रैंड विटारा आ रही है 7 सीटर के साथ। अब इसका भी लॉजिक आप लोग को अब मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि क्या लॉजिक हो सकता है इसका, ग्रैंड विटारा को 7 सीटर में लॉन्च करने का क्या लॉजिक है कंपनी की तरफ से। यहाँ पे जो है ना इसकी जो प्राइसिंग रखी जा सकती है वो 13 से लेकर 17 लाख रुपए की हो सकती है। और इंजन तो आप लोग को पता ही है, वही इंजन आप लोग को दिए जाएंगे, एक 1.5 लीटर का 4 सिलेंडर माइल्ड हाइब्रिड पेट्रोल इंजन और एक 1.5 लीटर का 4 सिलेंडर स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड पेट्रोल इंजन, तो काफ़ी अच्छी बात है। ये सब मैनुअल CVT और ECVT गियरबॉक्स के साथ ये पेयर होगा, और जो फीचर्स होंगे काफ़ी ज़्यादा अपग्रेडेड फीचर दिए जाएंगे आप लोगों को इसके अंदर।
जैसे कि टायर भी अपग्रेड किए जाएंगे, डायमेंशंस तो चेंज होने ही है क्योंकि ऑब्वियस सी बात है 7 सीटर में इस गाड़ी को लॉन्च किया जा रहा है। तो इंफोटेनमेंट सिस्टम भी नया मिल जाएगा आप लोग को भाई पूरी तरीके से, ट्रिपल जोन एसी क्लाइमेट कंट्रोल होगा और लेवल 2 का एडास वडास भी आप लोग को जरूर से इसके अंदर मिलने वाला है। पैनारोमिक सनरूफ तो आप लोग को मिलता ही है, बट इसमें आप लोगों को जो है ना एम्बियंट लाइट के साथ मिलेगा, मतलब एकदम तगड़ा माहौल जमा देगी गाड़ी आप लोगों को लिए। तो देखिए इस गाड़ी का जो लॉन्च डेट रहेगा वो आप लोगों को मार्च या अप्रैल के महीने में देखने को मिल सकती है। अब इसके बारे में मुझे बता देना, 7 सीटर के साथ ग्रैंड विटारा, और यहाँ पे जो है ना इनकी बहुत सारी गाड़ियाँ 7 सीटर के साथ भी आने वाली है, ये क्या चीज़ हो सकती है पता नहीं है भाई। चलिए नेक्स्ट गाड़ी के बारे में बात करते हैं। यहाँ पे तो आ रही है लैंड रोवर की तरफ से डिफेंडर। मैंने आप लोग को हाइब्रिड की गाड़ी के बारे में बताया, तो हाइब्रिड ही होने वाली है सारी गाड़ी, तो डिफेंडर को भी जो है ना हाइब्रिड के साथ लॉन्च किया जाने वाला है। तो यहाँ पे आप लोगों को क्या क्या चीज़ें रहेगी, प्राइसिंग बता देते हैं। सबसे पहले तो 1.15 करोड़ रुपए की प्राइसिंग आप लोग को इसके अंदर रखी जाएगी, ठीक है। और साथ ही में जो इसके अंदर इंजन ऑप्शन मिल रहा है वो आप लोगों को जो है 2.0 लीटर का हाइब्रिड पेट्रोल इंजन मिलेगा, जो कि 394 bhp और 500 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करेगा। और साथ ही में यहाँ पे आप लोगों को जो एवरेज दी जाएगी वो 14 किलोमीटर पर लीटर की आप लोगों को दी जा सकती है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है इतनी भारी भरकम गाड़ी के लिए। और साथ ही में इसके अंदर जो आप लोगों को यहाँ पे ऑल व्हील ड्राइव का ऑप्शन भी मिल जाता है, साथ में ऑटोमेटिक गियर बॉक्स भी आप लोगों को मिल जाएगा इसमें। और यहाँ पे ऑटोमेटिक गियर बॉक्स आप लोगों को बता दिया, मल्टीफंक्शन स्टीयरिंग व्हील मिल जाएगा, बिग इंफोटेनमेंट सिस्टम भी होगा, डुअल जोन एसी क्लाइमेट कंट्रोल, 360 डिग्री कैमरा, पैनारोमिक सनरूफ, और भी बहुत सारे लिस्ट लंबी है यार, बहुत सारी लिस्ट लंबी है। तो गाड़ी का जो लॉन्च डेट रहने वाला है वो आप लोगों को जो है ना अप्रैल या फिर मई के महीने में ये गाड़ी सॉलिड तरीके से देखने को मिलने वाली है। तो चलिए नेक्स्ट गाड़ी के बारे में अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं ना, तो यहाँ पे आने वाली है देखिए रेनो मोटर्स की तरफ से अरकाना। ये क्या गाड़ी है भाई ऐसी रेनो मोटर्स, यार मतलब खतरनाक हो यार तुम भी यार, ठीक है। ये एक क्यूब डिज़ाइन के साथ आने वाली है, एक लग्जरी सिडान भी आप लोग बोल सकते हैं, क्यूब डिज़ाइन भी आप लोग इसको बोल सकते हैं। अब क्या क्या मतलब हमने तो बात ही करनी है इसके बारे में। एल शेप के आप लोगों को DRLs यहाँ पे प्रोवाइड करा दिए जाएंगे, और साथ ही में जो लुक्स एंड डिज़ाइन है काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम लग रही है देखने में, नो डाउट। 16 से लेकर 20 लाख रुपए की एक्सपेक्टेड प्राइस रेंज है इसकी, और जो इंजन मिल रहा है वो 1.6 लीटर का हाइब्रिड पेट्रोल इंजन आप लोग को दिया जाएगा, जो कि मैनुअल और ऑटोमेटिक गियर बॉक्स के साथ पेयर होगा। यहाँ पे जो फीचर दिया जाएगा ना वो आप लोग को एडवांस लेवल का यहाँ पे मिलने वाला है, और साथ ही में इसके अंदर आप लोग को डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर भी दिया जाएगा, 360 डिग्री कैमरा भी होगा, वेंटिलेटेड सीट भी होगा, और एडास जैसा सेफ्टी फीचर आप लोग को बेहतरीन तरीके से मिलने वाला है इसके अंदर। सो रेनो मोटर्स जल्दी करो जो भी करना है आप लोगों ने, ठीक है। तो इस गाड़ी का जो लॉन्च डेट रहेगा वो आप लोग को मई से जून के महीने में ये गाड़ी आप लोग को देखने को मिल सकती है यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट गाड़ी के बारे में हम लोग यहाँ पे बात करते हैं। तो इधर स्कोडा मोटर्स के तरफ से आ रही है ऑक्टाविया RS4, या फिर यूँ ऑक्टाविया भी आप लोग कह सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो लुक्स एंड डिज़ाइन के बारे में बात करते हैं तो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव है भाई, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव। वैसे जो ये गाड़ी है वो और मतलब पहले वाली ही जैसी दिखाई दे रही है, मतलब क्या अपग्रेड किया इस गाड़ी के अंदर कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बाकी हाइब्रिड सिडान है, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। LED लाइटिंग सेटअप मिल जाएगा, मैसिव ग्रिल आप लोग को मिल रहा है, एक पैनारोमिक सनरूफ मिल जाएगा आप लोग को। प्राइसिंग इस गाड़ी की जो है ना 20 से लेके 25 लाख रुपए की हो सकती है। सो एक सिडान गाड़ी के लिए इतनी प्राइस रेंज जस्टिफाई नहीं है या फिर है, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए यार ज़रूर। यहाँ पे आप लोग को एक 1.4 लीटर का हाइब्रिड पेट्रोल इंजन आप लोग को मिल जाएगा, जो कि 140 bhp की पावर जनरेट करेगा। साथ ही में इंटीरियर बहुत ज़्यादा तगड़ा प्रीमियम है इस गाड़ी का। सेफ्टी वाइज तो आप लोग को पता ही है कि 5 स्टार अचीव कर रखे है इस गाड़ी ने, सो नेक्स्ट बाई भी दोबारा भी आएगी तो दोबारा से क्रैश टेस्ट किया जाएगा, तो 5 स्टार ही लाएगी ना भाई। तो मल्टी कलर में आप लोग को एम्बियंट लाइट इसके अंदर दिया जाएगा, जो कि काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम होने वाला है लगने वाली आप लोग को। और भी कई सारे वायरलेस चार्जर जैसे वेंटिलेटेड सीट्स जैसे ऑप्शन भी होंगे इसके अंदर, और सेफ्टी के भी काफ़ी सारे फीचर्स आप लोग को दिए जाने वाले हैं, और भी कन्वीनियंट फीचर भी मिलने वाले हैं, ऐसी बात नहीं है यार। तो स्कोडा की गाड़ी है तो खतरनाक मिलने वाली है, ठीक है। प्राइसिंग भी अद्धाधुंध है इस गाड़ी की। तो इस गाड़ी का जो लॉन्च डेट है ना वो आप लोग को अप्रैल या मई के महीने में ये गाड़ी मिल सकती है यहाँ पे। नेक्स्ट गाड़ी के बारे में बात करते हैं, टोयोटा मोटर्स की तरफ से आ रही है एक खतरनाक सिडान बेल्टा, और ये पूरी तरीके से सियाज का रीबैज वर्जन रहने वाला है, जिसकी प्राइसिंग आप लोग को 8 से लेकर 12 लाख रुपए की होगी। सो अगर ये गाड़ी सियाज ही है तो फिर मतलब ये बेल्टा किस बात की। सो चलिए यार कुछ नहीं कह सकते हैं, यहाँ पे आप लोग को गाड़ी पूरी तरीके से सियाज है, तो फीचर भी आप लोग को सियाज वाले ही मिलने वाले हैं इसके अंदर, बट प्रीमियम है गाड़ी नो डाउट काफ़ी ज़्यादा, और ये काफ़ी लग्जरी सिडान आप लोग इसको बोल सकते हैं, ठीक है।
और इसके अंदर आप लोग को एक 1.5 लीटर का हाइब्रिड पेट्रोल इंजन दिया जाएगा जो कि 105 bhp और 138 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करता है। सो इस पावर आउटपुट को देखते हुए, फिगर को देखते हुए गाड़ी काफ़ी ज़्यादा सॉलिड लग रही है यहाँ पे। तो मैनुअल और ऑटोमेटिक गियर बॉक्स के साथ ये पेयर रहेगा। यहाँ पे 7 इंचिस का इंफोटेनमेंट सिस्टम है और 360 डिग्री कैमरा भी है, वायरलेस चार्जर भी है और बहुत सारी चीज़ें आप लोग को इसमें मिलने वाली है। गाड़ी का लॉन्च डेट आप लोग को अप्रैल के महीने में यहाँ पे ये मिल सकती है। तो चलिए दूसरे गाड़ी के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पे आने वाली है मारुति सुजुकी की तरफ से एस क्रॉस, न्यू जनरेशन भी आप लोग इसको बोल सकते हैं। जहाँ पे अगर इसका जनरेशन हम चेक करने की कोशिश करते हैं डीपली जाके, तो यहाँ पे आप लोग को ग्रैंड विटारा से थोड़ी सी इंस्पिरेशन जैसी लग रही है ये। मतलब क्या है यार, ये समझ में नहीं आ रहा है। चलिए अगर फीचर के बारे में बात कर लेते हैं, हमने को ज़्यादा कुछ नहीं सोचना है यहाँ पे। तो प्रीमियम है गाड़ी काफ़ी ज़्यादा, और इसके इंटीरियर को देखते हो तो वो भी काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम है। फीचर वाइज देखते हो तो वो भी एडवांस लेवल के मिलेंगे आप लोग को। एक नया ग्रिल आप लोग को प्रोवाइड करा दिया जाएगा, एक नया लाइटिंग सेटअप होगा इसके अंदर, पैनोरामिक सनरूफ भी होगा। 12 से लेकर 16 लाख रुपये की इसकी प्राइसिंग रेंज रखी जा सकती है। इंजन देखिए दो टाइप के मिलेंगे, 1.5 लीटर का स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड पेट्रोल इंजन और एक 1.4 लीटर का बूस्टर जेट हाइब्रिड पेट्रोल इंजन। तो अच्छी बात है काफ़ी ज़्यादा। मैनुअल DCT और ऑटोमेटिक गियर बॉक्स के साथ ये पेयर होगा। यहाँ पे एडास भी आप लोगों को दिया जा रहा है और 360 डिग्री कैमरा भी है, वेंटिलेटेड सीट्स, वायरलेस चार्जर जैसे कई सारे बेहतरीन फीचर्स आप लोग को इस गाड़ी के अंदर मिलने वाले हैं। सो एस क्रॉस है, सेफ्टी के मामले में भी आप लोग को पता है एस क्रॉस ने काफ़ी अच्छी रेटिंग हासिल कर रखी है, 4 स्टार की आई थिंक। तो इस गाड़ी को भी इतनी ही मिलनी चाहिए या फिर इससे अच्छी मिलनी चाहिए वैसे। तो गाड़ी का लॉन्च डेट जो है ना आप लोग को जून या जुलाई के महीने में ये गाड़ी आप लोग को यहाँ पे देखने को मिल सकती है। चलिए लास्ट और लास्ट गाड़ी के बारे में बात करते हैं यार इस लिस्ट की, ठीक है। तो होंडा मोटर्स की तरफ से सिविक का नया जनरेशन आने वाला है और ये 6th जनरेशन रहने वाला है इस गाड़ी का। तो काफ़ी अच्छी बात है, क्लैपिंग करिए। चलिए यहाँ पे क्या क्या चीज़ें रहने वाली है, तो काफ़ी मेजर अपडेट्स इस गाड़ी को मिलने वाले हैं। जैसे डिज़ाइन वाइज देखते हैं तो काफ़ी ज़्यादा शार्प लग रहे हैं गाड़ी के डिज़ाइन, वैसे तो नॉर्मल जैसी ही गाड़ी लग रही है देखने में। यहाँ पे आप लोग को लाइटिंग सेटअप ज़रूर से प्रीमियम लगेगा इसका तगड़ा। 2.0 लीटर का IVTEC पेट्रोल इंजन आप लोग को दिया जाएगा और जो दूसरा इंजन होगा वो 1.5 लीटर का हाइब्रिड पेट्रोल इंजन आप लोग को दिया जाएगा। इसमें मैनुअल DCT और CVT गियर बॉक्स के साथ ये पेयर होगा। आप लोगों को गाड़ी कैसी लग रही है कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर से बता सकते हैं इस बारे में। फीचर वाइज भी काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम है गाड़ी और काफ़ी एडवांस लेवल के टेक्नोलॉजीज यूज़ किए जाएंगे इस गाड़ी को प्रीमियम बनाने के लिए। बाकी लॉन्च डेट इस गाड़ी का मई के महीने में रखा जाता है। यहाँ पे अब बताइए आप लोग को कि क्या क्या चीज़ें रही, क्या क्या चीज़ें आप लोगों ने देखी और अपनी ओपिनियन मुझे ज़रूर से दीजिएगा कमेंट बॉक्स में जाके। बाकी वीडियो को लाइक कर दिया होगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दिया होगा ऐसे ही वीडियोस आगे भी देखने के लिए। मैं मिलता हूँ आप लोग को ऐसे किसी इंटरेस्टिंग वीडियो के अंदर। आप लोग रखना अपना ध्यान, वीडियो देखने के लिए आप लोग का दिल से धन्यवाद। आप लोगों का दिन शुभ रहे। जय हिंद, वंदे मातरम।